सो गाइस, माय जोमैटो ऑर्डर वाज लेट एंड आई वाज टॉकिंग टू द कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एंड मीनवाइल द डिलीवरी पर्सन जस्ट डिड दिस. ही हिट मी, लेफ्ट मी ब्लीडिंग हियर एंड रैन ऑफ. प्लीज शेयर दिस वीडियो विद एवरी. आफ्टर दैट थिंग हैपेंड, आई एम एट द हॉस्पिटल एंड दिस इज माय करंट सिचुएशन एंड इट सीम्स लाइक आफ्टर द एक्सरे माय बोन इज ब्रोकन. So we need to do a surgery for the same and I can't talk because the moment I start talking, my eyes are starting watering and nose starts bleeding. So this is the update as of now. Also because of that I am able to talk this much. And also thank you so much for Bengaluru Karnataka police, like the police station I visited, they were like so humble and gentle and they literally took care of my concern and they listened to me. And you know, I was so scared after the incident what happened, so they were like, till the time we are alive madam, you need not worry about whatever is going on. So that's the update and I have all the FIR copy and the, you know, doctor prescription where it says it is a major damage which has happened to me. And you know, you guys know me, like I being an influencer and face for you guys, if this gets ruined for me, I don't know what next stands there for me. But I would love if you guys really support and share this video as much as possible so that, you know, this does not happen to anybody out there. And thank you so much for watching. जलाली और मुकद्दस नाम में मेरे देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को मेरा सलाम. मैं सलमान मजीद, डीएनपी फास्ट न्यूज यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ. सबसे पहले तो देखने वालों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को लाजमी क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर एक नई वीडियो आप तक आसानी के साथ पहुंच सके. आपने एक चीज़ तो नोट की होगी कि जितना अमीर आदमी होगा उतना ही बदतमीज़ भी होगा और जब आप किसी के साथ बदतमीज़ी करेंगे तो आपको फिर उसका नतीजा तो भुगतना पड़ेगा. इसी तरीके से इंडिया बेंगलोर से एक खातून मॉडल और मेकअप आर्टिस्ट भी हैं और ये हितेशा चंद्रानी साहबा, इन्होंने एक ऑर्डर किया और ऑर्डर में ऑनलाइन ऑर्डर जब किया तो ऑर्डर में जब वो लड़का कुछ देर जो डिलीवरी बॉय होता है वो लेट हो गया तो उसी दौरान उन्होंने वो ऑर्डर जो है कैंसिल करने के लिए दोबारा उसी वेबसाइट पर रब्ता किया या उनसे कॉन्टेक्ट किया कि हम मुझे अब ये चीज़ नहीं चाहिए. उसी दौरान वो लड़का भी आ जाता है और उसके साथ ये मैडम साहिबा जो हैं, पहले उनके साथ इन्होंने मिसबिहेव किया और उसके बाद जब वो लड़का है उसके साथ जब इनकी बातचीत हुई तो इन्होंने गर्म जोशी दिखाई और उसी दौरान ज़ाहिर है फिर इन्होंने भी कोई ना कोई बात तो की होगी. ज़ाहिर है ऐसे कोई थोड़ी किसी को मारता है. तो इस वीडियो को भी आप देख सकते हैं. तो उस भाई ने जी फिर आश्रय नहीं किया, उन्होंने दे मार नाक का कबाड़ा कर दिया और कबाड़ा करने के बाद फिर वो वहाँ से भागने में उस वक्त तो कामयाब हो गया. देखें, कोई भी किसी को ऐसे नहीं मारता. अगर आपने भी कोई हद पार की होगी तो फिर ही उन्होंने आपके ऊपर हाथ भी उठाया होगा. लेकिन इसकी फिर भी हम बहुत ज़्यादा मजम्मत भी करते हैं और ऐसा उसे नहीं करना चाहिए था. लेकिन आप भी अगर वो को 5-10 मिनट अगर कोई बंदा लेट भी हो जाता है तो ट्रैफिक का भी मसला हो सकता है. इल्हाम नहीं है कि हमने जो ऑर्डर जिस टाइम पर दिया उसी पर पहुँच जाए. तो कुछ थोड़ी बहुत ही हमारे अंदर भी इंसानियत होनी चाहिए. सबसे पहले तो उसने जो किया बहुत गलत किया, उसकी हम भरपूर तरीके से फिर दोबारा से उसकी मजम्मत भी कर देते हैं. तो उसके बाद इन्होंने अपना एक वीडियो पैगाम जो है बनाया वो ट्विटर और इंस्टाग्राम पे फिर इन्होंने वायरल किया. पहले एक क्लिप वायरल किया जिसमें इनका नाक से ब्लीडिंग जो थी वो आ रही है और आपने वो क्लिप देख भी लिया. उसके बाद एक और इन्होंने वीडियो क्लिप वायरल किया. फिर ऐसे करते करते इन्होंने कुछ वीडियो क्लिप जो है वो वायरल किए. फिर उनके बाद इनकी नाक की ट्रीटमेंट हॉस्पिटल पे भी ये फिर एडमिट हुई हैं या नहीं इसकी कंफर्म अभी हमारे पास नहीं है. लेकिन बकौल उनके कि वो हॉस्पिटल में भी एडमिट रही हैं. और ये वाकया 9 मार्च को पेश आया. तो जस्ट अगर इस बात को ये भी मैडम साहिबा अगर थोड़ा सा तहम्मल से बात कर लेती उनके साथ, ज़ाहिर है कि जब अमीर या पैसे का जब किसी के पास भी जोर जोश होता है या तो वो फिर किसी को इंसान नहीं समझता. फिर इन्होंने भी उसे यही समझा होगा कि ये गरीब होगा और इसने क्या करना है, मेरा क्या कर सकता है मेरे साथ. तो फिर जो उसने किया फिर मैडम साहिबा जो हैं वो फिर उनके लिए भुगतना काफ़ी मुश्किल हो गया. और मेरे तमाम देखने वालों से भी गुजारिश है, ख़ास तौर से ख़वातीन के लिए भी, कि जब भी आप ऑर्डर करें
ध्यान से करें, उनके साथ थामुल से बात करें, वो भी आगे से इंसान है, उनके अंदर भी गुस्सा आ सकता है, वरना आपकी भी नाक जो है वो टूट सकती है। आने वाले वक्त में अपना ख्याल रखिए, और जब भी ऑनलाइन कोई चीज़ मंगवाएं तो उनके साथ तहम्मुल, आराम के साथ, उनके साथ समझ लें कि आपने बड़े एक नॉर्मल बिहेव से बात करनी है, वरना आपको भी हॉस्पिटल जाना जाना पड़ सकता है। खुदा आप सबको बरकत दे।